जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आप पीछे बच्चे देख रहे हैं, इन सभी का आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हो चुका है। इसके बाद इनका होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद होगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद लगेगी मेरिट। तो आज इनसे जानते हैं कितना क्वेश्चन करे थे, क्योंकि सबसे पहले इसके पहले जो आर्मी की भर्ती होती थी उसमें पहले फिजिकल होता था, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होता था, और मेडिकल के बाद आपका रिटर्न होता था। तो दोस्तों, अभी ये चेंज हो गया, अग्निपथ के योजना से, अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती हो रही है, जिसके अंदर पहले पेपर हो रहा, उसके बाद फिजिकल हो रहा, फिर मेडिकल हो रहा। तो दोस्तों, फिजिकल में जो टाइम दिया जा रहा है, आप सभी को पता है कि काफी आरओ की भर्ती हो गई है, जिनका पहले पेपर हो गया था, अब फिजिकल हो रहा है। तो बहुत सारे आरओ में 5:30, 5:25 टाइम दिया जा रहा है, बहुत सारे एआरओ में 5:45 टाइम दिया जा रहा है। जो नोटिफिकेशन आता है अग्निवीर अग्निपथ का या अग्निवीर आर्मी का, उसके अंदर लिखा होता है, यदि आप 5:30 के पहले आते हो तो आपको 60 नंबर मिलेंगे रनिंग के अंदर, और आप 5:45 के अंदर आते हो तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि उनका एक रेशो रहता है कि आपको इतने बच्चे लेना है, क्योंकि अभी इसके पहले जो भर्ती होती थी आज से 2 से 3 साल पहले, उस टाइम 3-3 तो 4 दिन तो बच्चों का बैच बनता था, और उसमें 10-15-20-25 बच्चे पकड़ते थे। अभी क्या है, जैसे कि 100 बच्चे 110 बच्चे 120 बच्चे दौड़ा रहे, जिसमें से 20 बच्चे 25 बच्चे 30 बच्चे। तो दोस्तों, टाइम वही है, जैसे जो टफ एआरओ है उसमें 5:25-5:30 तक टाइम दे रहे हैं, और जैसे काफ़ी एआरओ उसमें 5:40 तक का भी टाइम दे रहे हैं। तो आप अपने एआरओ को टफ मान के चले, और उसी हिसाब से तैयारी करें। आप जब टाइमिंग लगाते हो तो बराबर 1600 मीटर जो ग्राउंड है उसमें टाइमिंग लगाए, रोड पर टाइमिंग नहीं लगाए, क्योंकि रोड का टाइमिंग में क्या होता है, सीधा रोड होता है, आना जाना यदि आप करते हो या जाना आना करते हो, तो उसमें आपको कम से कम 10 से 15 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है। आपको बराबर ट्रैक पर दौड़ना है 400 मीटर के, और 1600 मीटर के टाइमिंग लेना है, तो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग जो आपका पता चल जाएगा। तो अभी इन्हें बच्चों से जानते हैं कि इनका क्या मतलब कितने क्वेश्चन करे थे, जो इन्होंने एग्जाम का क्वालिफाई हो गया, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इनकी मेरिट लगी है, और इनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जनवरी में इनका फिजिकल होने वाला है। तो ये सभी बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी जीडी अग्निवीर। तो अभी इन्हीं से जानते हैं कितने क्वेश्चन कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, आर्मी के अंदर जीडी के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 1/4 माइनस मार्किंग होती है, 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 15 जीके के, 15 जीएस के, और 5 रीजनिंग के, ये 50 क्वेश्चन होता है, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसके बाद ट्रेड का सिलेबस अलग है, क्लर्क का सिलेबस अलग है, नर्सिंग का सिलेबस अलग है। तो दोस्तों, ये सब जीडी वाले से जानते हैं। आपने कितने क्वेश्चन करे थे सर? 40 करे, जिसमें से 35 सही है। 35 सही है, 5 क्वेश्चन गलत हो गए। दोस्तों, इनने 40 क्वेश्चन करे थे, जिसमें 35 इनके क्वेश्चन एक्यूरेट सही थे, इनने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। आपने 45 करे थे, कितने सही थे? 36 सर। इनका भी दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई है, 36 क्वेश्चन सही है। कितने क्वेश्चन करे थे? 50 के थे लगभग, 33-34 सही थे। दोस्तों, इनने 50 क्वेश्चन करे थे, जिसमें से 33-34 इनके एक्यूरेट सही है। आपने 43 कितने क्वेश्चन सही है? 36-37 सही है। 36-37 क्वेश्चन इनके भी सही है। कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 39 क्वेश्चन कितने सही? 37 42 कितने क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन सही है। 45 कितने क्वेश्चन है? 40 सही है। सही है, 40 सही। 47 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 35 क्वेश्चन। आपने 40 क्वेश्चन किए थे, उसमें से 38 सही। सर 42 किए थे, उसमें 34 सही। तो दोस्तों, आपने जो रेशो देखा है, क्योंकि जो हमारे पास इससे पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उन बच्चों ने सभी एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि जो एग्जाम का सिलेबस है वो बहुत ही नॉर्मल है। और आप यदि एग्जाम की तैयारी थोड़े दिन में करते हो और आप एग्जाम देते हो, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो। इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है आपका फिजिकल। फिजिकल इसका टफ होता है, आप सभी को पता है, यदि 5:45 टाइम में मिल रहा है, अभी आप ग्राउंड में बराबर 400 मीटर के दौड़ोगे, मतलब 1600 मीटर टाइम लाओगे, तो 5:45 के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। और दोस्तों, इसका जो आर्मी के अंदर आप सभी को पता है कि जो प्रोसेस होती है ना, सेकंड पोजीशन, ये जो फिजिकल, ये थोड़ा टफ होता है, और आपको इसी की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगी यदि आपको आर्मी के अंदर सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिजिकल का, और आपको एक समय के बाद इन सभी बच्चों को वीडियो हम वर्दी में लेकर आएंगे, तभी सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।